29 फरवरी 2004 को कौन सा दिन था? दोस्तों मात्र 5 सेकंड के अंदर आप सॉल्व कर सकते हैं, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बस आपको 3 कोड याद रखना होगा और एक छोटा सा सूत्र याद रखना होगा जो कि हम अभी इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों पहला है महीना का कोड और दूसरा है दिन का कोड और तीसरा है शताब्दी का कोड। दोस्तों अगर आप इस कोड को कम्प्लीट याद रखते हैं तो इस टाइप की कोई भी सवाल मात्र 5 सेकंड के अंदर आप सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए उस कोड के ऊपर एक नज़र मारते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करेंगे। कैलेंडर दिन का कोड, देखिए संडे का कोड होता 1, मंडे का कोड होता 2, ट्यूसडे का कोड होता 3, वेडनेसडे का कोड होता 4, थर्सडे का कोड होता 5, फ्राइडे का कोड होता 6 और सैटरडे का कोड होता है 0। दोस्तों अब चलिए जानते हैं कैलेंडर महीना का कोड के बारे में। कैलेंडर महीना का कोड देखिए, जनवरी का कोड होता 1, फरवरी का कोड होता 4, मार्च का कोड होता 4, अप्रैल का कोड होता 0, मई का कोड होता 2, जून का कोड होता 5, जुलाई का कोड होता 0, अगस्त का कोड होता 3, सितंबर का कोड होता 6, अक्टूबर का कोड होता 1 और नवंबर का कोड होता 4 और दिसंबर का कोड होता है 6। दोस्तों एक चीज़ यहाँ समझने वाली बात है, अगर आपका क्वेश्चन लीप वर्ष में पूछा जाए तो 2 महीना का कोड चेंज हो जाता है, जनवरी का कोड 0 हो जाएगा और फरवरी का कोड 3 हो जाएगा, बाकी बात सभी का कोड सेम रहेगा अगर आपका क्वेश्चन लीप वर्ष में पूछा जाए तब। सेंचुरी कोड देखिए, 1500 से लेकर 1599 का कोड होता है 0, 1600 से लेकर 1699 का कोड होता है 6, 1700 से लेकर 1799 का कोड होता है 4, 1800 से 1899 का कोड होता है 2, 1900 से लेकर 1999 का कोड होता है 0, 2000 से लेकर 2099 का कोड होता है 6, 2100 से 2199 का कोड होता है 4, 2200 से लेकर 2299 का कोड होता है 2। दोस्तों बस आपको इतना ही याद रखना होगा। तो चलिए हम जानते हैं कैलेंडर फार्मूला के बारे में। देखिए कैलेंडर फार्मूला, पहले आपको दिनांक लिखना है, उसके बाद लिखना होगा महीना का कोड, उसके बाद लिखना होगा वर्ष, वर्ष का लास्ट 2 ही डिजिट लिखना होगा, उसके बाद लिखना होगा लीप वर्ष, उसके बाद लिखना होगा शताब्दी कोड, सभी को जोड़ के 7 से भाग दीजिए, आपका राइट आंसर आ जाएगा। 29 फरवरी 2004 को कौन सा दिन था? दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपने अच्छी तरह कोड को समझ लिया होगा। देखिए पहले हम क्या लिखते हैं, तारीख लिखते हैं, सूत्र के अनुसार पहले हम क्या लिखते हैं, तारीख लिखते हैं, तारीख दिया हुआ 29, उसके बाद हम लिखते हैं महीना का कोड, महीना दिया हुआ फरवरी और फरवरी का कोड होता 4। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ध्यान देंगे कि क्वेश्चन आपका जो है लीप वर्ष में पूछा गया है तो फरवरी का कोड क्या होता है, चेंज हो जाता है, यानी कि 3 हो जाता है। उसके बाद हम लिखेंगे वर्ष, वर्ष का लास्ट 2 ही डिजिट आपको लिखना होगा, सिर्फ 04 लिखना होगा, उसके बाद हम लिखते हैं लीप वर्ष, यानी कि 4 वर्ष के अंदर कितने लीप वर्ष है, तो 4 वर्ष के अंदर कितने लीप वर्ष है, एक ही लीप वर्ष होगा। उसके बाद हम लिखते हैं शताब्दी का कोड, तो 2000 की शताब्दी कोड क्या होता है, 6 होता है। दोस्तों सभी को जोड़िए, 7 से भाग दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। दोस्तों सभी को जोड़े तो कितना होगा, 43, 43 हम क्या करेंगे, 7 से भाग देंगे तो कितना बार में, 6 बार में, 7 6 कितना होता, 42। दोस्तों शेष सबका क्या बचा, 1 बचा। दोस्तों ये जो 1 बचा है, अब पता कीजिए कि 1 जो होता है कौन सा दिन का कोड होता है। दोस्तों आपको याद होगा रविवार का कोड क्या होता है, 1 होता है, यानी कि 29 फरवरी 2004 को कौन सा दिन था दोस्तों, रविवार था। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि छोटी सी वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं बहुत जल्दी दूसरे वीडियो में दूसरे ट्रिक के साथ।